यूट्यूब से पैसा कमाना। देखिए आजकल ना, आजकल सभी लोग यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं। ये देखिए हमारे साथ हैं आज रूबी जी, पैसा कमाना चाहती है ना यूट्यूब से? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आई है? पटना से। पटना से आई है, पता है कानपुर से पटना कितना दूर है, कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगा आपको आने में? 4 बजे चढ़े यहाँ, सुबह 4 बजे उठे। समझ सकते, 12 घंटा हो गया सिर्फ किस लिए? यूट्यूब से पैसे कमाना है, ठीक है। ये चैनल है रूबी जी का, और पटना से आई है यहाँ पर कानपुर सिर्फ अपना चैनल दिखाने के लिए। देखिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। पटना से आई है मैम रूबी जी, आई है और अपने चैनल को सिर्फ सही कराने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको यूट्यूब से पैसा कमाना है। आप लोग ना मजाक समझते हो हर चीज को, कि भाई क्या है पैसा, यूट्यूब पे तो कुछ है नहीं, सब सिर्फ ऐसा ही चल रहा है, सब लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम नहीं बर्बाद कर रहे, आप टाइम बर्बाद कर रही गई जी, नहीं। पैसे कमाना चाहती है ना जी, ठीक है, पैसे कमाना चाहती है। अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हो ना, तो ये वीडियो देख लेना। अगर आप एक बिगनर, एक नए क्रिएटर बने हैं और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम रूबी जी के चैनल पर, यहाँ पर बहुत जो एडवांस तरीके के चैनल की सेटिंग होती है ना, वो आपको बताने वाला है, और कैसे किया जाता है, कैसे टाइटल लगाया जाता है, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। अगर आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। आपके लिए ही काम करते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो लोग यूट्यूब पर मजाक समझते हैं और पैसा नहीं। क्योंकि ये देखिए रूबी जी यहाँ पर आई है इतनी दूर से, ठीक है ना, पटना से 4 बजे बैठी हो, 4 बजे यहाँ पर आई है, तो समझ सकते हो कुछ ना कुछ पैसा कमाना है यूट्यूब पर आकर। कुछ हमारे, जब हमारे अंदर आग लगती है ना यूट्यूब से पैसा कमाने की, तभी हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना। कोई भी कहीं भी जा सकता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब से, ठीक है। ये एक अंदर आग लगनी, या आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए यूट्यूब पे काम करने का, ठीक है ना। तो समझिएगा और देखिएगा जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए चैनल रूबी जी का, और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं यहाँ पर क्रोम पर, और क्रोम पर हम अपना यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन करेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे studio.youtube.com, ठीक है। देखिए ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन हो गया, इस तरीके से होके ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे कस्टमाइजेशन, ठीक है, चैनल कस्टमाइजेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, देखिए अब आप काम करेंगे तो लॉन्ग वीडियो पे काम कीजिएगा, ठीक है रूबी जी, ऐसे शॉर्ट पे मत काम कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे आपके चैनल की पूरी तरीके से सेटिंग कर रहे हैं, आप भी देखिएगा जैसे सेटिंग की जाती है चैनल की, ठीक है, एडवांस तरीके से। वो सारी चीजें करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। देखिए हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है ना। कस्टमाइजेशन हमने कर दिया सही तरीके से, जो पूरा चैनल का होता है। अब हम यहाँ पर आते हैं, सेटिंग पर क्लिक करते हैं, सेटिंग पर क्लिक करते हैं, चैनल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कीवर्ड इनके लगे हुए हैं, ठीक है, फैमिली व्लॉग, ठीक है, ये सारी तरीके लिखे हुए। तो हम अभी यहाँ पर कीवर्ड और लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं रैपिड टैक्स, देखिएगा जैसे कीवर्ड लगा रहा हूँ वैसे ही आपको भी लगाना, ठीक है। रैपिड टैक्स ओपन करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले हम इसको डेस्कटॉप मोड से हटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फैमिली व्लॉग, ठीक है, डेली व्लॉग, ठीक है, ये लिख कर हमने सर्च किया, ठीक है, डेली व्लॉग, ये सारी चीज लगा दी और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। ये सारे की जो हमारे कीवर्ड हैं इनको कॉपी कर लिया, और हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ इन्होंने कीवर्ड लगा के रखे हैं, उन पर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज्यादा कीवर्ड होगा, अब इनमें से कुछ कीवर्ड को हम इस तरीके से एक एक करके हटाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको भी हटाना है, यहाँ पर सिर्फ 500 ही वर्ड लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ सारे कीवर्ड लगा दिए, यहाँ पर हम जाके इसको कस्टमाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, सेकंड वाला। और यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो नंबर वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पर आते हैं अपलोड डिफॉल्ट पर, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, अनलिस्टेड पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ कीवर्ड इनके लगे हुए हैं, ठीक है यहाँ पर। तो हम चलो इसको भी थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर देते हैं, यहाँ से इस कीवर्ड को हटाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और इनको भी थोड़ा सा हम कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से कस्टमाइजेशन किया जाता है, ठीक है ना, सही तरीका। देखिए इस तरीके से कीवर्ड हटा दिए हमने यहाँ पर, और ये कीवर्ड लगा दी, ठीक है। अब जो कीवर्ड और लगे हैं ना उनको हम देखेंगे, ज्यादा हो गए तो उनमें से कुछ कीवर्ड को और हटा देंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए इस तरीके से कीवर्ड हम हटा देंगे, ठीक है। देखिए ये सारे कीवर्ड हट गए, और यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट, और ये जो हमारा जो बेसिक कीवर्ड है वो सारे हमने लगा दिए, ठीक है।
ठीक है, ये तरीका होता है सही तरीके से कीवर्ड लगाने का, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। इनका नंबर वेरिफिकेशन पहले से हो चुका, आईडी वेरिफिकेशन जो फेस वेरिफिकेशन होता है या हम आईडी वेरिफिकेशन दोनों में से कोई भी एक करते हैं वो भी कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब बताएंगे हम इनको टाइटल कैसे लगाना है, क्योंकि ये अपनी वीडियो में टाइटल नहीं लगा रही सही तरीके से, ठीक है। देखिए, अब देखिए, जैसे ये आपने ये वीडियो अपलोड किया, ठीक है ना, आपको शॉर्ट वीडियो नहीं ज्यादा बनानी, इस लॉन्ग वीडियो पे ज्यादा काम करना, ठीक है, व्लॉग वीडियो बनाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब इसमें आपने क्या बनाया, इस वीडियो में क्या बताया था आपने, इस वीडियो में क्या बताया था आपने? इसमें कुछ नहीं, सिर्फ बगीचा दिखा रहे थे। अच्छा, जैसे मोती झील के बारे में बताया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कानपुर, ठीक है, मोती झील पार्क, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे मीटअप, ठीक है। और अपने चैनल का यहाँ पर जिससे भी मिलने आया फिर जो भी जैसे भी है यहाँ पे लगा देंगे हैशटैग, ठीक है, वाईफाई टेक्निकल, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब ये हमारा हो गया, पूरा कीवर्ड बन गया, ठीक है। शॉर्ट वीडियो का होता है, इस तरीके से आप वीडियो में हर एक वीडियो में कीवर्ड लगाएंगे, ठीक है ना। हर एक वीडियो में ऐसे मतलब एक ही नहीं लगाना है, अलग अलग तरीके के कीवर्ड आपको लगाने हैं, ठीक है ना। ऐसे सारे कीवर्ड लगाने हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लॉन्ग वीडियो, आपने लॉन्ग वीडियो एक भी नहीं बनाई है, ठीक है ना। यहाँ पर लॉन्ग वीडियो पे ही ज्यादा काम करना, शॉर्ट पे ज्यादा, देखिए आपने कहीं भी डेट यहाँ पर कीवर्ड नहीं डाला है। कीवर्ड जब तक नहीं डालेंगे तो आपको व्यूज नहीं आएगा आपके चैनल पर, ठीक है ना। सही तरीके से कीवर्ड डालना, ये सिर्फ हमने शॉर्ट वीडियो को बताया है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में और क्या करना होता है, यहाँ पर आना है, ठीक है। देखिए हम और भी चीजें बता देते हैं, कुछ चीजें मिस हो गई। यहाँ पर आपको हैशटैग लगाना है, ठीक है ना, हैशटैग शॉर्ट, ठीक है, हैशटैग शॉर्ट लिखना है, ठीक है। देखिए हम बता देते हैं, इसको हटाना पड़ेगा फिर से, हैशटैग शॉर्ट, देखिए आ गया ये ऊपर। ऐसे ऐसे करके आपको दो हैशटैग लगाने हैं, हैशटैग शॉर्ट, हैशटैग शॉर्ट्स, ठीक है ना, ये दो आ गए। अब इस तरीके से सेव कर देना है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो के लिए, लॉन्ग वीडियो के लिए नहीं है, ठीक है ना। लॉन्ग वीडियो के लिए क्या करना होगा, सही तरीके से टाइटल, पहले लॉन्ग वीडियो आपने बनाई नहीं है, अब लॉन्ग वीडियो ऐसे बनानी है आपको, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो ऐसे बनानी है, लॉन्ग वीडियो ऐसे बनानी है। एक शॉर्ट बनाइएगा, लॉन्ग पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि पैसा आप लॉन्ग से कमा सकते हो, शॉर्ट से बहुत कम पैसा मिलेगा, ठीक है ना। नाम भर का मिलता है, समझ लो आपको 3-4-5 महीने के 6 महीने में एक बार पेमेंट ले पाओ शॉर्ट वीडियो से। लॉन्ग वीडियो में क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेमेंट ले सकते हो, जितना ज्यादा लॉन्ग वीडियो चलेगा उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि शॉर्ट वीडियो पे अगर आप इस तरीके से टाइटल लगा सकते हैं, लॉन्ग वीडियो पे ऐसे नहीं लगाना है। लॉन्ग वीडियो पे प्रॉपर तरीके से एसईओ करना होता है, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया कैसे आपको एसईओ करना होता है, वो पूरी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सही तरीके से अगर आप काम करोगे तभी आगे बढ़ सकते हो, गलत तरीके से काम करो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, चैनल पर। क्योंकि यहाँ पर हमने आपको पहले चैनल की पूरी सेटिंग बता दी है, शॉर्ट वीडियो पे कैसे टाइटल लगाना है वो बता दिया। अब लॉन्ग वीडियो रूबी जी के चैनल पे नहीं है, ठीक है ना, तो मैं लॉन्ग वीडियो पे भी आपको बताता कैसे टाइटल लगाना है। लेकिन अब जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो पे टाइटल लगाया है, इसी तरीके से मिलता जुलता आपको टाइटल लगाना है लॉन्ग वीडियो पे, लेकिन हैशटैग नहीं लगाना होता, ठीक है ना। फिर उसी को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में लगाना है, मैंने उसके बाद प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाइएगा उस वीडियो को देखिएगा, आपको सही तरीके से सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे सही तरीका होता है काम करने का, ठीक है ना। काम सही तरीके से करेंगे तभी पैसे यूट्यूब से कमा पाएंगे, अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। भाई देखिए सही चीज मैं बताता हूँ, कोई घुमाने वाला काम नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा काम है सही डायरेक्शन आपको दिखाना, गलत डायरेक्शन पे काम करोगे तो भाई कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, ठीक है ना। सही तरीके से काम करना, आप भी अच्छे से काम कीजिएगा, ठीक है ना। हम आपके चैनल को देखते रहेंगे, देखिए हमने इसीलिए मेंशन कर दिया है अपने आपको यहाँ पर, आपका चैनल का हमारे पास मेंशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। हम देखते रहेंगे, आप मेहनत करना, ठीक है ना, मेहनत सही तरीके से करेंगे, आप इनको जाके सपोर्ट भी करना। मैंने इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर से आई है, पटना से, ठीक है ना, पटना बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, ठीक है ना। मैं गया था इसलिए मुझे पता है बहुत ज्यादा दूर है, तो जाके सपोर्ट करिएगा मैम को थोड़ा ज्यादा, ठीक है। और सही तरीके से आप भी काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, यहाँ पर पैसा बहुत है, बस पेशेंस रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पेशेंस रख के रहिएगा, ठीक है ना। जाके सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।